युवशक्ति को उपेक्षा करी कौनसी देश केबेबी आगक बढ़ी पारना उत्तरप्रदेश वाराणसी उदय प्रताप कलेजर 115तम स्थापना दिवस समारोह छात्र छात्री को संबोधित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आम युवशक्ति भावना को सम्मान देवाक उचित सुजोग प्रदान करने सहित से आहरी जदि कौन देशर युवशक्ति अपराधे संश्लिष्ट हो दिग भ्रष्ट होता तेज से देश केबेबी आगक बढ़ी पारे जो परिवर्तन होठारे युवशक्ति भूमिका ही आगक आसी था कलेजर प्रशंसा करने सहित योगी कहते एक कलेज पीढ़ी पर पीढ़ी शिक्षा और जीवन सर्वांगीन विकास क्षेत्र में जो कार्य कर यार फल केवल वाराणसी किंवा पूर्व उत्तर प्रदेश और बिहार बर पूरा उत्तर प्रदेश एथपाई कृतज्ञता ज्ञापन करी आदित्यनाथ कहते युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोध से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।